हरिद्वार के सिडकुल स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में लापरवाही बरते जाने पर जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष राव अफाक ने निंदा करते हुए नाराजगी जाहिर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सलेमपुर के एक ग्रामीण को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाने के बाद अस्पताल के डॉक्टर नदारद मिलने पर राव अफाक अली ने अस्पताल पहुंचकर हालात देखते हुए थाना सिडकुल पुलिस को मौके पर बुलवाया। राव अफाक ने अस्पताल में तैनात डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर अस्पताल के अंदर ही हैं, लेकिन शराब के नशे में होने के कारण से यहां पर मरीज को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। रोशनाबाद सलेमपुर का रहने वाला मेरे गांव का, वो परसों यहाँ आए। इन्होंने कहा कि डॉक्टर यहाँ है नहीं, कल संडे है और हम इसे देख नहीं सकते। वो इसको ले गए वहाँ मैक्सवेल में, वहाँ भर्ती करा। आए डॉक्टर से यहाँ पूछ के गए हॉस्पिटल में कि भाई उसे लिया ना, आपका डॉक्टर आ गया, कहाँ ले आओ, आए तो सोमवार है। आज इसको हम ये लेकर आए यहाँ छुट्टी करा कर मैक्सवेल से। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ ये हम इसको जो है कोई इलाज नहीं है और डॉक्टर साहब यहाँ है नहीं। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब कहाँ गए, आप हमें लिख के दे दो कि यहाँ किसका इलाज नहीं है और डॉक्टर यहाँ है नहीं। डॉक्टर यही है कहीं, और मुझे पता चला है विशेष सूत्रों से वो कहीं ड्रिंक करे जो है डॉक्टर जो है पड़े हैं, और वो ड्रिंक के चक्कर में यहाँ नहीं रहे। हम दो घंटे से यहाँ बैठे हैं। हमने सिडकुल इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करा, हमारा मरीज वेंटिलेटर पर है भाई, वेंटिलेटर पर उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया था। अभी दूसरी एम्बुलेंस ऑक्सीजन का सिलेंडर मंगा के हमने जो है वो मंगाया और लगाया, नहीं तो अब तक मरीज जो है वो कुछ भी कर